अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खेल रहे। मैं इस टाइम फार्म पर ले रहा हूँ, एक आर्डर कर चुका हूँ क्योंकि मैं वर्षावन में लॉगिन किया तो साथ ही आर्डर आ गया था। तो इस टाइम मैं फार्म जमेरा में हूँ। तो आज लगता है शायद बारिश हो, शायद दुबई में बारिश हो, लेकिन मौसम ऐसा ही है, बादल उधर हैं। तो बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को आपको ज़रूर शेयर किया करो और कमेंट करके बताओ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और दूसरी बात, तो रमज़ान कैसा आपका जा रहा है? दुबई की सबसे महंगा तरीन एरिया है ये दुबई का, सबसे यूएई का सबसे महंगा एरिया होगा। अपने पाकिस्तान में ये तित्तर को पकड़ने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों पे घूमते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकार करना अलाउ नहीं है। दुबई की ओरिजिनल खूबसूरती है इन गाड़ियों से, बाकी तो बिल्डिंगें तो फिर सुना है कि हांगकांग में भी बहुत है। दुनिया की हर गाड़ी एक मिनट से पहले नज़र आ जाती है। राइट है तो इसलिए ये जगह इतनी बिजी नहीं है, तो ये जगह हमेशा बिजी रहती है। जैसे दूसरी तरफ लोग बस का वेट कर रहे हैं, ये एरिया हमेशा बिजी रहता है। अभी जुम्मा पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं। आज फिर मैं पहुंच चुका हूँ मीडिया सिटी में। ये बिल्डिंग में कुछ करीब से भी वीडियो बनाई होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देखो। ये मरीना की मेन बिल्डिंग है और सबसे ऊंची। हूँ जी स्पोर्ट्स सिटी, तो ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसके आसपास का ये व्यू है, ये बिल्डिंगें, ये एलीट 3 और बाकी दरख्त के तो आपको पता ही है, एक पूरे दुबई में ये खजूर के दरख्त तो हैं ही हैं। और ये जंड, नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते हैं लेकिन पंजाबी में तो जंड ही बोलते हैं। ये ऐसा दरख्त है कि इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है।
पानी नहीं दियो, उसको पानी नहीं दो, बारिश नहीं हो, ये जिंदा रह सकते हैं जंगलों को। और अभी शाम का टाइम हो गया है तकरीबन, क्योंकि ये सूरज गुरु बोलेंगे करीब है।